भवन से लाल किले तक एक भव्य परेड निकलती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति राजपथ पर तीनों सेनाओं की सलामी लेते हैं। राजपथ के दोनों ओर हजारों लोगों की भीड़ इस कार्यक्रम को देखने के लिए उमड़ पड़ती है। स्टूडेंट्स, आप हर वर्ष देखते हैं, आप अपने टीवी पर, और कुछ जो बच्चे हैं या कुछ जो हैं लोग हैं वो परेड को सामने से वहाँ पर लाइव भी देखते हैं। क्योंकि स्टूडेंट देखने जाते हैं तो आपने देखा है जो बीच में जो भी कार्यक्रम होता है वो बीच में होता है और उसके दोनों साइड जो है पब्लिक बैठी रहती है उस कार्यक्रम को देखने के लिए। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के लोक नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन करती है। जो हर एक जो राज्य की जो भी अपना अपना उनका कार्यक्रम होता है उनका वो प्रदर्शन करती हैं। विभिन्न राज्यों की झांकियां और अस्त्रों व शास्त्रों का भव्य प्रदर्शन किया जाता है। सभी अपने राज्यों की अपने अपने राज्यों की जो है झांकियों का प्रदर्शन करती हैं। इस विशेष पर्व पर देश भर में स्थापित स्कूलों, कॉलेजों, ऑफिसों, कार्यालयों में झंडा फहराया जाता है। विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति के अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है जैसे कि आपके विद्यालय में भी होता है, एक दिन पहले आपके विद्यालय में क्या होता है स्टूडेंट्स, इस पर्व को बड़े धूमधाम से आपके द्वारा मनाया जाता है। जो हमारे अतिथिगण या हमारे जो प्रधानाचार्य जी होते हैं स्टूडेंट्स, झंडा को फहराकर सम्मान वो करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी देखते हैं हम सभी राष्ट्रगान गाते हैं और अनेक कार्यक्रम संगीत नृत्य का कार्यक्रम करके उस दिन को मनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देश का हर नागरिक इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाता है। देश के जितने भी नागरिक होते हैं स्टूडेंट्स इस त्यौहार को बड़े ही खुशी से हर्षोल्लास से मनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आया है अच्छे से। ओके, इसको आपको अपने नोटबुक में करना है। पहला राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस वाला टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, आप इस पर अपना होमवर्क लिख लीजिए, इसको आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है आज के डे टू डे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।